नमस्कार दोस्तों, आप सब वायरिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या वायरिंग के विषय में टैलेंट बनना चाहते हैं और टैलेंट बनने के लिए आपके पास तजुर्बा है, जिद है, तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ये भाई का सपोर्ट करें दोस्तों। सपोर्ट के बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। तो चलिए, एक मेरा गैरेज में आया है यमहा कंपनी के सालूटो मोटरसाइकिल और उस बाइक का फुल वायरिंग का जानकारी देने वाले हैं, वो भी एक एक तार के बारे में सही जानकारी देंगे। तो आप सब देख सकते हैं, मेरे गैरेज में एक यमहा कंपनी के सालूटो मोटरसाइकिल आया है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं कि यानी कि फुल वायरिंग की हम जानकारी देंगे, ठीक है, कौन तार कहाँ से आ रहा है और कौन तार कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, ना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि फुल वायरिंग डिटेल के साथ में, प्रूफ के साथ में हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। तो चलिए, ना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं, मैग्नेट कॉइल से ये निकला हुआ कपलर, यानी कि ये तार देख सकते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला ये कपलर को हम रिमूव कर लेते हैं। चलिए, हम इस वायर के हम जानकारी देंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, पूरा उजला वाला तार ये दो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लाइटिंग कॉइल की और चार्जिंग कॉइल की, ठीक है। और एक कॉइल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये आसमानी कलर का तार आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारी न्यूट्रल लाइट की, ठीक है। और ये दो वायर देख सकते हैं, ये पिकअप कॉइल की, ठीक है। ये उजला वाला और ये लाल वाला देख सकते हैं, ये पिकअप कॉइल की कपलर है, ठीक है। तो देख सकते हैं, ये रेक्टिफायर यानी कि आरआर यूनिट आप सब देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये उजला वाला तार, ये उजला वाला तार आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो ये यानी कि मैग्नेट कॉइल से यहाँ तक आया है, ठीक है। ये इसमें यानी कि इनपुट आया है, ठीक है। और एक यहाँ देख सकते हैं, पूरा ये काला वाला यहाँ देख सकते हैं, ये बॉडी और थिन है, ठीक है। और एक यहाँ देख सकते हैं, पूरा लाल वाला, तो ये रेक्टिफायर से आउटपुट करंट निकल के चला जाता है बैटरी में, बैटरी चार्ज करने के लिए, ठीक है। और एक यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये पीला पे लाल लाइन बना हुआ है, तो ये चला जाता है हमारी हेडलाइट बनने के लिए। तो मैकेनिक दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है CDI, ठीक है। तो चलिए, हम CDI की एक एक तार की भी हम जानकारी दे दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, ये काला वाला देखते हैं, पूरा काला वाला, तो ये बॉडी और थिन है, ठीक है। और एक यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा यानी कि पीला वाला तार, तो ये चला जाता है कार्बोरेटर के TPS सेंसर में। और यहाँ चॉकलेटी कलर के तार आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, ये CDI में 12 वोल्ट करेंट है, जो हम चाबी ऑन करते हैं, तो चाबी ऑन करते ही यहाँ CDI में 12 वोल्ट करेंट इनपुट आ जाता है, ठीक है। और ये उजला वाला तार आप देख सकते हैं, पूरा सफ़ेद वाला तार, तो ये हो गया पिकअप कॉइल की, ठीक है। और एक यहाँ एक ये तार देख सकते हैं, ये काला और नीला है, ठीक है। काला में नीला लाइन बना हुआ है। और एक ये तार देख सकते हैं, ये पूरा हो गया नीला वाला। और एक यहाँ ये बीच में देख सकते हैं, ये पीला वाला, ठीक है। तो ये तीनों तार कार्बोरेटर के TPS सेंसर में से यानी कि यहाँ आते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम कार्बोरेटर के TPS सेंसर में जाके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये कार्बोरेटर, ठीक है। और कार्बोरेटर में TPS सेंसर लगा रहता है। तो चलिए, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये पूरा नीला वाला तार देख सकते हैं, और ये बीच में पूरा पीला वाला तार देख सकते हैं, और एक ये देख सकते हैं, काला पे नीला लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों तार चला जाता है हमारी CDI में। तो चलिए, ये तीनों तार हम दिखा देते हैं फिर से एक बार CDI में। ये बीच में, ठीक है, पूरा पीला वाला तार TPS सेंसर से आया है। और एक यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा नीला वाला तार, ये TPS सेंसर से आया है। और एक यहाँ ये बीच में देख सकते हैं, काला पे नीला लाइन बना हुआ है। तो ये तीनों तार चला जाता है TPS सेंसर में, ठीक है। और एक ये सफ़ेद वाला तार देख सकते हैं, पिकअप कॉइल का तार है। और एक चॉकलेटी वाला का तार यहाँ देख सकते हैं, ये चॉकलेटी कलर का तार, तो ये चाबी ऑन करने पर 12 वोल्ट करंट आता है, ठीक है। और काला वाला तार आप देख सकते हैं, पूरा यानी काला कलर का तार, तो ये हो गया बॉडी और थिन, ठीक है। और मैकेनिक दोस्तों, देख सकते हैं, ये CDI से आउटपुट करंट जो निकलता है, तो यहाँ देख सकते हैं, पूरा ऑरेंज कलर के तार देख सकते हैं, सिंगल तार निकला हुआ है, देख सकते हैं। CDI से आउटपुट करंट ऑरेंज कलर के तार में निकलता है और चला जाता है डायरेक्ट
हाई टेंशन क्वाइल में। तो चलिए हाई टेंशन क्वाइल लंग हम जाके हम आपको दिखाते हैं। ये हाई टेंशन क्वाइल यानी कि HD क्वाइल देख सकते हैं, और जो CDI से आउटपुट करंट निकल के जो आता है पूरा ऑरेंज कलर के तार, आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ आ जाता है। देख सकते हैं पूरा ऑरेंज कलर के तार देख सकते हैं, ये CDI से आउटपुट करंट निकल के आता है हाई टेंशन क्वाइल में, ठीक है। और एक यहाँ ऊपर देख सकते हैं पूरा काला कलर का तार आप देख सकते हैं। तो ये बॉडी अर्थिंग है, ये बॉडी से अटैच हो जाता है, देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये हाई टेंशन क्वाइल में ग्राउंड मिल जाता है। और एक ये देख सकते हैं ये फ्लासर, ठीक है। तो फ्लासर में दो तार लगा है, तो एक तार यहाँ चॉकलेटी कलर के तार आप देख सकते हैं कि इसमें 12 वोल्ट करेंट आता है, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं ये चॉकलेटी पे सफ़ेद लाइन बना, यानी कि चॉकलेटी पे उजला लाइन बना हुआ है। तो ये फ्लासर से आउटपुट करंट निकल के चला जाता है साइलाइट बोलने के लिए, साइलाइट स्विच में चला जाता है। तो मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं ये रिले, देख सकते हैं ये छोटा सा रिले, ठीक है। ये महा कंपनी के मोटरसाइकिल के मॉडल में ये रहता है, ये रिले देख सकते हैं। ये रिले में चार तार लगा है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ दो तार है यानी कि तीन तार, ठीक है। तो यानी कि दो तार के माध्यम से काम करता है, और देख सकते हैं इधर दो तार लगा है। आसमानी कलर का तार आप देख सकते हैं, ये न्यूट्रल का है, ठीक है। और ये चॉकलेटी कलर का तार आप देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट करेंट का है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये लाल पे उजर लाइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं लाल पे उजर लाइन बना हुआ है। तो ये चला जाता है यहाँ से निकल के हमारे सेल्फ रिले में चला जाता है, ठीक है। और एक यहाँ देख सकते हैं ये लाल पे काला लाइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं लाल पे काला लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो ये तार आया है हमारे क्लच स्विच से, ठीक है, क्लच स्विच से ये तार यहाँ तक आया है। अगाड़ी के भाइजर में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तार है, देख सकते हैं तार के गुच्छा, ठीक है। इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं तार के गुच्छा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक तार के भी हम जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। साइड के स्विच, हेडलाइट और ये साइड लाइट का और ये हॉर्न का, ठीक है। तो चलिए ये स्विच का ये वायर देख सकते हैं, यहाँ ये वायर जाता है उधर साइड में, ठीक है। तो चलिए उसके हम एक एक तार के हम जानकारी देंगे। देख सकते हैं ये है जैक, वो स्विच का साइड लाइट और हर जो बजता है और साइड लाइट जो बलता है उसी का ये स्विच का ये तार का गुच्छा है, ठीक है। ये कपलर हम निकाल दिए हैं, ठीक है, और हम जानकारी आपको देंगे। बीच वाला तार आप देख सकते हैं चॉकलेटी पे उजर लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लासर से आता है, ठीक है। और ये साइड में देख सकते हैं ये चॉकलेटी कलर का तार देख सकते हैं, गाढ़ा कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है एक साइड का इंडिकेटर का, ठीक है। और ये देख सकते हैं हरा कलर का तार ये साइड में, तो ये हो गया यानी कि उधर साइड के इंडिकेटर में, यानी कि एक हो गया ये तार हो गया लेफ्ट साइड के इंडिकेटर का, और ये तार हरा वाला तार देख सकते हैं, ये तार हरा वाला, ये हो गया राइट साइड का इंडिकेटर का, ठीक है। और ये बीच वाला तार आप देख सकते हैं चॉकलेटी पे सफ़ेद लाइन बना हुआ है, तो ये हो गया फ्लासर से तार हमारे ये स्विच में आते हैं साइलाइट बोलने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब ये साइड के हम जानकारी दे रहे थे। ये देख सकते हैं ये पीला पे लाल लाइन बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पीला पे लाल लाइन बना हुआ है। तो ये हो गया रेक्टिफायर से ये आता है स्विच में, ठीक है, हेडलाइट बोलने के लिए। रेक्टिफायर से आउटपुट करंट आता है हेडलाइट बोलने के लिए, ये तार में वोल्ट आता है, पीला पे लाल लाइन बना हुआ तार है, देख सकते हैं। और ये बीच वाला तार आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का तार दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये तार हो गया हॉर्न के लिए, इसे हॉर्न बजता है, ठीक है, यानी कि ये हॉर्न के स्विच होते हैं वो स्विच में से ये तार आया है, देख सकते हैं। ये चॉकलेटी कलर का तार ये 12 वोल्ट है, हॉर्न में आया है। और एक यहाँ ये देख सकते हैं ये तार आप देख सकते हैं, तो ये तार आया है हमारी हॉर्न की स्विच से, देख सकते हैं ये तार ये स्विच से गया है हॉर्न में। और एक तार यहाँ देख सकते हैं ये नीला कलर के तार बना हुआ है, ये तार हो गया जब हम पार्किंग लाइट बालते हैं, ठीक है,
यानी कि हेडलाइट का जो स्विच होता है, एक स्टेप में पार्किंग बलता है और दूसरे स्टेप में हेडलाइट बलता है, ठीक है। तो एक स्टेप में जो पार्किंग लाइट बलता है, यानी कि गाड़ी का जो एक छोटा सा यानी कि बल्ब होता है वो बल जाता है, उसी के लिए ये वायर है। पूरा ये नीला वाला तार आप देख सकते हैं, हेडलाइट में एक या छोटा सा बल्ब लगा रहता है, ठीक है। तो जब हम हेडलाइट को जब हम बालते हैं एक स्टेप, तो यहाँ यानी कि ये लाइट बल जाता है। यहाँ भी वही कलर का तार है, सेम टू सेम, यहाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं पूरा नीला कलर का तार और पूरा काला कलर का तार बॉडी अर्थिंग, और एक हमारी पार्किंग लाइट बल्ले के लिए नीला कलर के तार में वोल्ट आ जाता है। वही स्विच से ये तीन तार आया है, देख सकते हैं। तो ये पूरा पीला वाला तार, ठीक है। तो ये हो गया हाई लो का, ठीक है। जब हम हेडलाइट हाई बालते हैं तो इसमें करंट आ जाता है, ठीक है। ये हाई का हो गया, ठीक है। और ये पूरा हरा वाला तार आप देख सकते हैं, ये लो बीम का हो गया है, ठीक है। और एक बड़े अर्थिंग हो गया है, ठीक है। पूरा काला वाला तार यहाँ देख सकते हैं, और ये हेडलाइट का जैक आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें यानी कि हम लोग बल्ब लगाते हैं, देख सकते हैं ये जैक। यहाँ भी वही तार आया है, देख सकते हैं, ये पूरा हरा वाला तार आप देख सकते हैं, पूरा हरा वाला तार देख सकते हैं। और यहाँ भी पूरा हरा वाला तार देख सकते हैं, यहाँ ये हरा वाला तार आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लो बीम का यहाँ देख सकते हैं, हेडलाइट में जब हम बल्ब लगाते हैं ये वही जैक है, देख सकते हैं। यहाँ हरा वाला तार आया हेडलाइट में लो बीम बलने के लिए, और यहाँ एक देख सकते हैं हाई बीम, यहाँ देख सकते हैं पूरा पीला वाला तार हाई बीम, ठीक है। तो हाई बीम का तार भी यहाँ भी आया है, देख सकते हैं पूरा पीला वाला तार हाई बीम का, और यहाँ देख सकते हैं पूरा काला वाला तार बॉडी अर्थिंग, और यहाँ भी देख सकते हैं बॉडी अर्थिंग आया, यानी कि सेम टू सेम कलर का कोड है, ठीक है। और मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं ये स्विच, जब हम बाइक जब हमारे गियर में रहते हैं तो हम क्लच दबा के सेल्फ लगाते हैं तो सेल्फ लग जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये स्विच देख सकते हैं, ये क्लच स्विच का वायर यहाँ देख सकते हैं, ये वाइजर के भीतर रहता है, देख सकते हैं। तो एक तार यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं लाल पे काला लाइन बना हुआ है, तो ये वायर चला जाता है। एक छोटे सा रिले होता है, पहले से एक बॉडी अर्थिन है, और जब हम क्लच दबाते हैं तो बॉडी अर्थिन इस वायर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लाल पे काला लाइन बना हुआ है इसमें बॉडी अर्थिन हो जाता है और चला जाता है रिले में, हमारी क्लच दबाने पर स्टार्ट हो जाता है। यही तार का ये काम है। ये दो मोटा वाला तार, तो चाबी स्विच में जाता है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं पूरा लाल कलर का तार आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं पूरा लाल वाला तार। तो ये आया है डायरेक्ट बैटरी से, ये तार देख सकते हैं, ये तार डायरेक्ट बैटरी से आया है। जब हम चाबी ऑन कर देते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं पूरा चॉकलेटी कलर का तार, इसमें 12 वोल्ट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं ये सेल्फ स्विच। तो चलिए सेल्फ स्विच के हम वायर की जानकारी देते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं यही है सेल्फ स्विच का कपलर, ठीक है। ये भी वाइजर में ही रहता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पूरा काला कलर के तार, तो ये बॉडी अर्थिंग हो गया, ठीक है। बॉडी अर्थिंग यहाँ आता है, और जब हम सेल्फ बटन दबाते हैं तो वहाँ से यानी कि बॉडी अर्थिंग कन्वर्ट होके, यानी कि सेल्फ बटन जब हम दबाते हैं तो ये बॉडी अर्थिंग पहले से ऑलरेडी है, और ये बॉडी अर्थिंग इसमें कन्वर्ट हो जाता है और चला जाता है सेल्फ चलने के लिए। हमारी सेल्फ कटआउट में अर्थिंग चला जाता है, सेल्फ रिले में अर्थिंग चला जाता है। तो देख सकते हैं ये कलर सेम टू सेम नीला पे उजला लाइन बना हुआ है, हम वहाँ भी जाके आपको दिखाएंगे। यही तार गया है सेल्फ रिले में, नीला पे सफ़ेद लाइन बना हुआ है, यही तार सेम टू सेम वहाँ पे गया है। और एक ये मैकेनिक दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ के स्विच के, देख सकते हैं ये स्विच, देख सकते हैं ये डिस्क ब्रेक। जब हम डिस्क ब्रेक दबाते हैं तो पछाड़ी के बैक लाइट बल जाता है, तो ये उसी का वायर है, यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें 12 वोल्ट करंट आता है चाबी ऑन करने पर, तो ये 12 वोल्ट करंट ये वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और हमारे पछाड़ी के बैक लाइट बल जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये कपलर देख सकते हैं, ये कपलर आप देख सकते हैं, और एसी यानी कि ऊपर होके यहाँ देख सकते हैं, ये मीटर में यहाँ देख सकते हैं, ये मीटर में काफ़ी ज़्यादा यानी कि वायर लगा है, यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए ये वायर के हम एक एक तार के हम सही जानकारी देंगे, ठीक है, यहाँ हम नहीं बताएंगे। ये कपलर देख सकते हैं, एक कपलर का
तार हम नहीं बताएंगे, यही सेम टू सेम तार यहाँ पे सब लगा है, देख सकते हैं, तो हम यही बता देते हैं आप लोगों का। तो मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं पूरा काला वाला तार, देख सकते हैं ये बॉडी अर्थिंग है, और यहाँ देख सकते हैं ये पूरा नीला वाला तार। जब हम पार्किंग लाइट बालते हैं ये मीटर में लाइट पूरे बल जाता है। ये आसमानी कलर का तार, ये न्यूट्रल का तार है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं बॉडी अर्थिंग है। जब हमारे बाइक न्यूट्रल में रहता है तो यहाँ 12 वोल्ट करंट पहले से ऑलरेडी है, और जब न्यूट्रल हम लोग करते हैं तो यहाँ बॉडी अर्थिंग आ जाता है, ठीक है, न्यूट्रल स्विच से, और हमारा न्यूट्रल लाइट बल जाता है। और एक यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं हरा कलर का तार, ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं चॉकलेटी कलर का तार, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट राइट दोनों साइड का इंडिकेटर का हो गया, ठीक है। एक हो गया लेफ्ट साइड का इंडिकेटर का तार, एक हो गया राइट साइड का इंडिकेटर का। इसके सामने यहाँ देख सकते हैं ये, यहाँ देख सकते हैं ये हमारे साइड लाइट ब्लिंक करता है। जब हम लेफ्ट बालते हैं तो इसमें यानी कि शो बताता है, जब राइट हम बालते हैं तो इसमें शो बताता है। और मैकेनिक दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पूरा काला वाला तार बॉडी अर्थिंग है, और पूरा नीला वाला तार आप देख सकते हैं, और यहाँ भी नीला वाला तार आप देख सकते हैं, ये भी नीला तार देख सकते हैं, और यहाँ भी नीला तार आप देख सकते हैं। जब हम पार्किंग लाइट बालते हैं, जब हम हेडलाइट बालते हैं, तो मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं जब ये स्टेप हम बालते हैं तो ये पार्किंग लाइट बल जाता है, और दूसरी स्टेप देख सकते हैं हमारी हेडलाइट बल जाता है, ठीक है। तो जब हम पार्किंग लाइट बालते हैं तो नीला वाला तार में करंट आ जाता है, यानी कि वोल्ट आ जाता है, तो ये पूरा यानी कि ये देख सकते हैं ये बल जाता है, ठीक है, और एक नीला तार से ये बल जाता है। तो देख सकते हैं एक नीला वाला तार से एक यहाँ यानी कि मीटर बल गया, और एक देख सकते हैं एक यहाँ नीला वाला तार से एक यहाँ के मीटर बल गया। पूरा काला वाला तार देख सकते हैं ये बॉडी अर्थिंग है, और यहाँ पीला वाला तार देख सकते हैं। जब हम हाई बीम बालते हैं तो एक मीटर में संबल होता है वो बल जाता है, या पासिंग लाइट जब हम बालते हैं, ठीक है, तो चलिए हम मीटर में बता देते हैं, वो संबल बल जाता है। देख सकते हैं जब आप हेडलाइट को हाई बीम जब बालते हैं तो यहाँ यानी कि बल जाता है, ये संबल बल जाता है पीला वाला तार के माध्यम से। और एक पीला वाला तार यहाँ देख सकते हैं, तो यानी कि हेडलाइट में हमारी जो हाई बीम का जो बल्ब होता है एक यहाँ बल जाता है, ठीक है। तो मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा काला वाला तार है बॉडी अर्थिंग है, ये फ्यूल जो दिखाते हैं उसी के वायर है, देख सकते हैं बॉडी अर्थिंग यहाँ आता है। और एक चॉकलेटी वाला का कलर का तार आप देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट करंट आता है चाबी ऑन करने पर, और एक टंकी में जो हमारी फ्यूल गेज रहता है वहाँ से सिग्नल आता है, देख सकते हैं पूरा हरा कलर का तार आप देख सकते हैं। टंकी में जो हमारे गेज लगा रहता है जो कितना फ्यूल है दिखाने के लिए, देख सकते हैं ये गेज टंकी के नीचे इसका रहता है, देख सकते हैं। तो ये काला कलर का तार आप देख सकते हैं, तो ये बॉडी अर्थिंग है, और एक पूरा हरा कलर का तार आप देख सकते हैं। तो ये यानी कि यहाँ से सिग्नल जाता है कि कितना यानी कि टंकी में पेट्रोल है, इसके माध्यम से ये बताता है ये। तो चलिए हम वहाँ दिखा देते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं पूरा हरा कलर का तार, यहाँ देख सकते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं पूरा काला कलर का तार बॉडी अर्थिंग है, और यहाँ देख सकते हैं पूरा यानी कि यहाँ देख सकते हैं हरा कलर का तार, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का है, देख सकते हैं ये इंडिकेटर का है। अब चलिए ये इंडिकेटर का हम बता दे रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं पूरा काला कलर का तार बॉडी अर्थिंग है, और यहाँ देख सकते हैं ये ब्राउन कलर का तार यानी कि चॉकलेटी कलर का तार देख सकते हैं, तो ये साइड का इंडिकेटर का है, ठीक है। तो दोनों तार आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ जो हमारे मीटर में शो करता है बिलिंग करता है, यहाँ भी सेम टू सेम वही तार है, यहाँ हरा कलर का तार देख सकते हैं और ये ब्राउन कलर का तार देख सकते हैं, तो वही तार सेम टू सेम हमारे मीटर में भी आते हैं। ये सेल्फ रिले, ठीक है, और सेल्फ रिले से ये जैक हम रिमूव कर लिए हैं, ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं ये लाल पे उजर लाइन बना हुआ है, देख सकते हैं लाल पे सफ़ेद लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये रिले में 12 वोल्ट करंट आता है एक छोटा सा रिले से, तो चलिए हम वो छोटा सा रिले हम दिखा दे रहे हैं। सेम टू सेम यही तार है, देख सकते हैं ये रिले देख सकते हैं, यही रिले से सेल्फ रिले में जाता है, यहाँ से देख सकते हैं लाल पे उजर लाइन बना हुआ है,
सेम टू सेम यही तार जाता है सेल्फ रिले में, 12 वोल्ट करंट जाता है सेल्फ रिले में। और मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं नीला पे उजर लाइन बना हुआ है, तो ये सेल्फ स्विच से यहाँ अर्थिन आता है यानी कि ग्राउंड आता है। सेल्फ स्विच जब हम दबाते हैं तो यहाँ बॉडी अर्थिन चला आता है नीला पे उजर लाइन, ठीक है, और 12 वोल्ट चला आता है वो हम जो रिले बताए हैं वो छोटा सा रिले से यहाँ आ जाता है 12 वोल्ट करेंट, ठीक है। ये लाल पे उजर लाइन बना हुआ है इस तार में। और मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा एक काला कलर का तार देख सकते हैं, और ये सेल्फ मोटर देख सकते हैं यहाँ ज्वाइन हुआ है। तो ये सेल्फ रिले से आउटपुट करंट निकल कर मोटर चलने के लिए करंट जाता है, और एक पूरा लाल कलर का आप तार देख सकते हैं, ये पूरा लाल कलर का तार। तो ये बैटरी के प्लस टर्मिनल से ज्वाइन रहता है, और इसी से ज्वाइन होके ये फ्यूज के माध्यम से, ठीक है, और ये पूरा लाल कलर का तार आप देख सकते हैं, इससे यानी कि वोल्ट निकल के चला जाता है चाबी में, डायरेक्ट चला जाता है चाबी में। ये पूरा लाल कलर का तार ये फ्यूज के माध्यम से होके ये 12 वोल्ट करंट निकलता है और चाबी में चला जाता है, ठीक है। और एक रेक्टिफायर से ये आता है पूरा ये लाल कलर का तार। तो मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं ये बैटरी के माइनस टर्मिनल आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मोटा वाला तार आप देख सकते हैं, ये बॉडी से अटैच रहता है, और एक यहाँ देख सकते हैं पूरा ये पतला वाला तार, काला कलर का तार आप देख सकते हैं, ये चला जाता है हमारी वायरिंग में बॉडी अर्थिंग के तौर पर ये काम करता है, ठीक है। और एक मैकेनिक दोस्तों यहाँ ये दो तार देख सकते हैं, तो ये ब्रेक स्विच का तार है, यहाँ देख सकते हैं जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ये ब्रेक स्विच देख सकते हैं, ब्रेक स्विच से आया है तार हमारे यानी कि ब्रेक लाइट बलने के लिए। और मैकेनिक दोस्तों देख सकते हैं ये हरा कलर का तार तो राइट साइड का इंडिकेटर का है देख सकते हैं, और एक हो गया यहाँ पूरा कलर का तार, तो ये बॉडी अर्थिन हो गया है, और एक यहाँ देख सकते हैं ये चॉकलेटी कलर का तार आप देख सकते हैं, तो ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर का हो गया है ये, और एक यहाँ देख सकते हैं पूरा काला कलर का तार, तो ये बॉडी अर्थिन हो गया है। ये देख सकते हैं ये बैक लाइट बलने के लिए काम करता है, यहाँ देख सकते हैं ये बैक लाइट, ठीक है, इसमें तीन तार लगा है देख सकते हैं। तो ये काला वाला तार आप देख सकते हैं ये बॉडी अर्थिन हो गया, और ये बीच वाला तार देख सकते हैं ये नीला कलर का तार, ठीक है। तो ये तार जब हम पार्किंग लाइट बालते हैं तो पछाड़ी के बैक लाइट बल जाता है, ठीक है। और एक यहाँ देख सकते हैं तो जब हम ब्रेक दबाते हैं तो यहाँ वोल्ट आ जाता है, ये पीला कलर का तार आप देख सकते हैं यहाँ जब ब्रेक दबाने पर वोल्ट आ जाता है, और ये हमारी बैक लाइट ब्रेक दबाने पर जो बलता है ये वो बल जाता है। तो दोस्तों फुल वायरिंग का एक एक वायर की जानकारी शेयर किया, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है अनुभव है उस हिसाब से जानकारी दी। तो दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए अब दूसरी टॉपिक के वीडियो पर मिलते हैं।